नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपका नववर्ष हेल्दी वेल्दी से परिपूर्ण हो, हेल्थ और वेल्थ से परिपूर्ण हो। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। कल हमने एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट होते हुए देखा। हालांकि अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो वहाँ पर एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहा। एक्सपेक्टेड आज भी मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में रह सकता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा। जीरा में सपोर्ट 12,400, रेजिस्टेंस 12,900। टर्मरिक सपोर्ट 5,790, रेजिस्टेंस 6,040। कोरिएंडर सपोर्ट 5,760, रेजिस्टेंस 5,960। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो वहाँ पर हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। एडिबल ऑयल्स में ट्रेंड पॉजिटिव है। सोयाबीन, RMC, रिफाइंड सोया, CPO के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। सोयाबीन में सपोर्ट 4,490, रेजिस्टेंस 4,690। RMC सपोर्ट 5,670, रेजिस्टेंस 5,910। रिफाइंड सोया सपोर्ट 1,177, रेजिस्टेंस 1,202। CPO में सपोर्ट 968, रेजिस्टेंस 988। वहीं अगर हम पूरे कपास कॉटन पैक की बात करें तो वहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। कॉटन में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। कॉटन में सपोर्ट 20,200, रेजिस्टेंस 20,900। कॉटन सीड ऑयल केक में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे सपोर्ट 1950, रेजिस्टेंस 2060। वहीं अगर हम ग्वार सीड, ग्वारगम और चने की बात करें तो वहाँ पे ट्रेंड डाउन रहेगा। ग्वार सीड में सपोर्ट 3820, रेजिस्टेंस 4020। ग्वारगम में सपोर्ट 5,850, रेजिस्टेंस 6,110। चने के अंदर सपोर्ट 4,270, रेजिस्टेंस 4,480। तो ग्वार सीड, ग्वारगम और चने के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। अगेन आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।